सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से आपका नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 12:30। सो आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना लेट और आज अचानक से कैसे ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं। सो एक्चुअली हुआ यू कि मैं जब सुबह उठा 7 बजे अलार्म लगाया था। सो 7 बजे उठा तो मेरे राइट साइड में थ्रोट में पेन हो रहा था। सो मैंने सोचा आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, आज रेस्ट ले लेता हूं। सो मैंने सर को मैसेज किया तो सर ने बोला देख ले, अगर बेटर लगे तो आफ्टरनून में हाफ डे से आ जा। तो मैंने भी सोचा कि ना हाफ डे से ही जाऊं, बिकॉज पूरा दिन घर पे ही रहूंगा, कुछ मतलब है नहीं। सो हाफ डे में जाता हूं। सो मैं अराउंड 10:30 तक सोया, फिर 10:30 को उठा, नहाया धोया, फ्रेश हुआ और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लिया हूं। सो मैं सोचा अब आप लोग के साथ बात कर लूं, वीडियो ब्लॉग स्टार्ट कर लूं और फिर थोड़ी देर में रेडी होके 1:30 बजे तक निकल जाता हूं ऑफिस के लिए। बाकी हाफ डे में काम कर लूंगा, छुट्टी भी नहीं काउंट होगी। सो बस वही सब है अभी तक मॉर्निंग की अपडेट शेड्यूल। बाकी ऐसा कुछ है, बाहर का वेदर चेक कर सकते हैं, धूप गर्मी और हवा चल रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी कैमरे में। ऐसा कुछ है माहौल आफ्टरनून का बाहर का। बस यही है, सब चलता हूँ। 12:45 हो रहा है, मैं भी रेडी होता हूँ और फिर 1:10 तक निकल जाऊँगा मेट्रो लेके ऑफिस के लिए। एक दो मीटिंग सर ने दी थी वहाँ पे आसपास बर्दू भाई डेरा के लिए, बट शेड्यूल नहीं हो पाई, मीटिंग फिक्स नहीं हो पाई। सो हम लोग जाएंगे सीधा ऑफिस। सो चलते हैं, अब रेडी होता हूँ और फिर सीधा निकलेंगे ऑफिस के लिए। सर गाइस, 1:30 बज चुके हैं और ऑफिस निकलने से पहले मुझे याद आया कल वाला लंच करना है। सो ये लंच कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं रेडी हूँ ऑलरेडी। देखिए शूज वूज पहन लिए, बस ये लंच करता हूँ और फिर सीधा निकलता हूँ ऑफिस के लिए। गुड इवनिंग, टाइम हो रहा है 8:30 और मैं घर पे अराउंड 7:30 को आ गया था। और आने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया, किचन खाली था तो अपना जो डिनर था वो बना के ले लिया। आज तड़के वाली दाल और नॉर्मल राइस है, सो आज नॉर्मल खाना खाएंगे। सो मैंने दोनों चीज बना के रेडी रख ली है, अब चलते हैं अपना डिनर करते हैं। फिर डिनर करने के बाद, बर्तन वर्तन धोने के बाद फिर मैं आराम से आप लोग से बात करता हूँ। गाइस, आ चुका है हमारा आज का डिनर, तड़के वाली दाल, सादा एकदम प्लेन दाल, मसूर और मूंग की दाल, उसके साथ राइस और ये मैंगो अचार। तो सब लोग के प्लेट में आ चुका है खाना, चलते हैं फटाफट डिनर करते हैं, फिर मिलता हूँ आप लोग से। सर गाइस, खाना पीना हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 9:30। सो आज जल्दी खाना पीना हो गया, बर्तन वर्तन सब धो के रख दिया है। बाकी वापस आज की तरह मैंने 3 अंडे और 2 आलू अच्छे से बीचों बीच से काट के बॉयल होने रख दिया है। सेम चीज कल भी लंच में खाऊंगा। और बात करूँ तो आज दिन भर की, तो आज मैं थोड़ा ऑफिस जाने का मेरा मन ही नहीं था बिल्कुल भी, बिकॉज इस वक्त भी मेरे गले में दर्द हो रहा है। मैं जब थूक या कुछ भी स्वेलो कर रहा हूँ तो मुझे दुख रहा है गले में। सो ये जब भी होता है तो मुझे सर्दी या जुकाम होता ही होता है, बट अभी तक तो कुछ सर्दी जैसा फील नहीं हो रहा है, सिर्फ गले में दर्द हो रहा है। लेट्स सी क्या होता है, कल सुबह उठने के बाद ही पता चलेगा हेल्थ का क्या है। और मेरे को सर को मैसेज किया मैं सुबह 7 बजे उठने के बाद कि मैं नहीं आऊंगा, तो उन्होंने बोला हाफ डे ले ले, अच्छा फील करेगा तो आज आफ्टरनून में। तो फिर मैं वही किया, मैं उठा, मुझे लगा कि ठीक है इतने से रीजन के लिए छुट्टी मारना ठीक नहीं रहेगा, तो मैंने बोला ठीक है चलो हाफ डे में ही जाता हूँ। सो उठा, नहाया धोया, कपड़े वपड़े चेंज किए, ब्रेकफास्ट किया, फिर अराउंड जाने से पहले मैंने जो लंच था, जो अंडे और आलू था, वो भी खा लिया। और फिर मेरे ख्याल से 1:30 बजे मैं यहाँ से निकला ऑफिस के लिए। फिर 1:30 बजे निकला, 2:30 बजे पहुंचा ऑफिस, उसके बाद पूरा दिन ऑफिस में ही काम किया। सेम चीज इवनिंग में भी वही, 6:30 बजे मैं निकला ऑफिस से, घर पे पहुंचा 7:30 तक, फटाफट आया, कपड़े चेंज किए, खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। आज यहाँ तक कि घर पे भी बात नहीं किया, बिकॉज शायद घर वाले भी बिजी थे, कहीं बाहर गए थे। सो मैं भी मैसेज नहीं किया और खाना बनाने के चक्कर में भूल ही गया। बस यही था दिन भर का, आज कुछ भी है नहीं बताने लायक आप लोग के लिए कि कुछ नया अपडेट या कुछ नया चीज हुआ हो आज दिन भर में। वही नॉर्मल डेली खिसी पिटी वाली जिंदगी थी, आज भी दुबई की लाइफ। और आप लोग से एक बात पूछनी थी, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ आप लोग कमेंट करके कि मेरे जो ये व्लॉग्स आते हैं आप लोग के लिए, मैंने एज अ ये चैनल स्टार्ट किया था, डेली व्लॉगिंग सोच के तो नहीं किया था, बट मैंने व्लॉग्स के लिए किया था। अब मैं यहाँ पे आने के बाद मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ व्लॉग्स में। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियोज डालने का कोई मतलब नहीं है, बट आप लोग मुझे बताओ कि कुछ हेल्प हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज ये व्लॉग्स डालने में मेरे को इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि मुझे खुशी नहीं हो रही है व्लॉग्स में, ये वीडियोज में, क्योंकि मैं सुबह जाता हूँ ऑफिस,
मेरा आधे घंटा दिन भर का ऑफिस में निकल जाता है, फिर शाम को आता हूँ आप लोग से थोड़ी बहुत बातें शेयर करता हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, दैट्स इट, पूरे दिन का व्लॉग हो जाता है खत्म मेरा। सो कुछ खास इंटरेस्टिंग मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ ना दिखा पा रहा हूँ, बस वही डेली का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, व्लॉग्स खत्म कर दे रहा हूँ डेली का। तो आप लोग मुझे जरा बताओ कमेंट सेक्शन में, सजेस्ट करो कि ये हेल्पफुल है वीडियोस व्लॉग्स या कुछ मतलब नहीं रख रहा ये व्लॉग्स का, मैं खाली यूं ही अपलोड करने के लिए कर रहा हूँ और आप लोग देखने के लिए सिर्फ देख रहे हो। बिकॉज मेरे को ये वीडियोस पे रिस्पांस नहीं आ रही इसलिए मैं ये बात आप लोग को पूछ रहा हूँ, यही 50 60 100 व्यूज 200 व्यूज, किसी एक वीडियो में 1500 व्यूज आ जा रहे हैं, बट कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। जितने दिन हो गए मुझे यहाँ पे दुबई में डेली व्लॉग्स करते हुए और मेरे चैनल को, तो अब तक मैं 5800 सब्सक्राइबर पे स्टक पड़ा हूँ। सो बताओ आप लोग मुझे सजेशन, मुझे ये फीडबैक दो कि कुछ हेल्पफुल है या यू ही मैं डाल रहा हूँ अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। बाकी यार एक आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट बात शेयर कर दूं मैं वीडियो में, कि मुझे बहुत सारे लोगों के डीएम्स आ रहे हैं कि भाई मैं अगर इंडिया से आ रहा हूँ दुबई, आप मेरी हेल्प करोगे क्या जॉब में, मुझे जॉब दिला दो, आपकी कंपनी में दिला दो, आप जैसी सैलरी दिला दो। तो गाइस आप लोग को लिटरली मैं बार बार बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, किसी के भी भरोसे पे मत आओ दुबई में, यहाँ पे अपने सगे भी मदद नहीं करते। तो मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आने के बाद आप इंडिया में रहोगे, हर कोई आपको बोलेगा हाँ भाई आ जा, तेरे को जॉब दिला दूंगा, तेरी मदद कर दूंगा, कुछ रहेगा तो मुझे बता। बट आप जब यहाँ आ जाओगे, आपको कुछ हेल्प चाहिए रहेगी, प्रॉब्लम में फंसे रहोगे, कोई मदद नहीं करने वाला आप लोग को, कोई भी नहीं, नंबर ब्लॉक, मैसेज ब्लॉक, सब कुछ ब्लॉक, आप मैसेज करते रहो फिर इधर उधर भटको उनको ढूंढने में और हेल्प के लिए। तो किसी के भी भरोसे पे दुबई मत आओ या किसी भी कंट्री मत जाओ, खुद पे भरोसा है, खुद जॉब ढूंढ सकते हो, विजिट वीजा लो, टिकट लो, आ जाओ दुबई, अपना काम ढूंढना है ढूंढो, जॉब मिला वेल एंड गुड, जॉब करो वीजा लगा के, अदरवाइज रिटर्न चले जाओ वापस इंडिया। किसी से उधार लेके काम करने ढूंढना, किसी के भरोसे पे आना है यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए, अरे मेरे को जॉब दिला देगा, कोई भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, यहाँ पे आने के बाद फंस जाओगे। सो इसलिए आप लोग को पहले भी बोला हूं अभी भी बोल रहा हूं, किसी के भरोसे पे मत रहो, खुद पे है कॉन्फिडेंस कि कर लोगे तो आओ करो, अदरवाइज किसी से भी भीख मत मांगो आप जॉब के लिए कि मुझे जॉब दिला देना, मैं आ रहा हूँ, ये वो वगैरह फलाना ढिंगालाना कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये मैं आप लोग को पहले भी बोलते आया हूँ अभी भी बोल रहा हूँ, किसी का भी मत सपोर्ट लो, किसी के भी भरोसे मत रहो, बस बाकी यही सब है। आज का व्लॉग मुझे शूट करने का मन ही नहीं कर रहा, बिकॉज मैं बोला आप लोग को, मेरे को ये सब व्लॉग्स बनाने में बिल्कुल मजा नहीं आ रही है, आप लोग को हेल्पफुल है तो वेल एंड गुड, मैं ये व्लॉग्स बनाऊंगा कंटिन्यू करूंगा, मगर अगर आप लोग के लिए भी हेल्पफुल नहीं है वीडियोस तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में या जहां पे भी मुझे मेंशन कर सकते हो करो, मैं देखूंगा कुछ और टॉपिक्स मिलेंगे तो करूंगा, अदरवाइज डेली व्लॉगिंग बंद कर दूंगा। बाकी चलता हूँ, इस व्लॉग को करता हूँ यही पे एंड, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट। शेयर गाइस मैंने कल के लिए अंडा और आलू रखा था पकने के लिए और मैं गैस पे रख के भूल गया और वो पानी उबलते उबलते, आप ये अंडे का हाल चेक करें, ये देखें ये अंडा और टोप का हाल चेक करें, क्या हाल हो गया है मेरे अंडे और आलू, आलू सही लग रहा है यार, लेकिन आलू में टेस्ट आ गया होगा पूरा, एकदम आ गया, एकदम बिरयानी हो गई, एकदम आलू और अंडा हो गया, एकदम आलू अंडा।